हेलो एवरीवन, सो ये मेरा पहला व्लॉग है। बेसिकली मेरा नाम शुभ है और मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। सो बाहर का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली आज मकर संक्रांति है, सो फर्स्टली हैप्पी मकर संक्रांति ऑल ऑफ यू। सो आज मैं आप लोगों को जयपुर की मकर संक्रांति दिखाता हूँ। यहाँ पे पतंगबाजी होती है बहुत शानदार। सो आपको मैं मेरी बालकनी से दिखाता हूँ, देन उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे, देन उसके बाद हम लोग आपको बाहर का दिखाएंगे। सो देख सकते हैं। अभी हम लोग रेडी होके निकल चुके हैं, अभी हम लोग मामा की तरफ जा रहे हैं। सो दिखाते हैं उधर उधर मकर संक्रांति पे कैसा माहौल है। सो चलो। सो अब हम लोग आ गए हैं मामू के पास, देख सकते हैं। मामू क्या आपकी वाइफ गई हुई, आप खाना बना रहे हो? नहीं, मैं संक्रांति है, आलू के पराठे बना रहा हूं। ओके, तो और क्या क्या बनाया हुआ है? सो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। पकौड़िया भी है, बहुत रहेगा आप मेरे ख्याल से। आप बहुत अच्छे कुक हैं, आई नो वेरी वेल। हम भी खाना चाहेंगे आपके हाथ के पराठे, हमें भी भूख लग रही है। फिलहाल पकौड़िया खा लेते हैं। सो दिखाते हैं हम आपको यहाँ का माहौल। साउंड तो सुनाई दे रहा ही होगा बाहर का आपको। सो फिर हम लोग ऊपर गए, देन देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे पतंग वगैरह उड़ रहे हैं और देख सकते हैं नज़ारा आसमान में बहुत शानदार। बहुत सारी पतंगबाजी हो रही है और यहाँ पे हम लोगों ने साउंड सिस्टम लगा रखा था। साउंड सिस्टम की इतनी आवाज़ आ रही थी इसलिए मुझे ये म्यूट करना पड़ा। सो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने भी पतंगें उड़ाई। देन उसके बाद में चलो अब नीचे चलते हैं। सो देख सकते हैं अभी हम लोग मामू के पास आए। मामू ने कहा था हमें पराठा खिलाएंगे, सो मुझे तो बड़ा टेस्टी लग रहा। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैं अभी, मुझे सब्सक्राइब की सकता हो सकता है। ओके, सब्सक्राइबर अगर मेरे घर आएंगे उनको पराठा जरूर दूंगा। तो आप मेरे चैनल के बारे में भी कुछ बताइए। शुभम भी व्लॉग्स बनाता रहता है, शायद कुछ लोग इंप्रेस होते हैं शुभम के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नहीं जरूर करेंगे, मैं मेंशन करूंगा आपके चैनल को भी, फॉलो कर लीजिएगा गाइस, जीत सैनी ऑफिशियल करके है। पराठे की शक्ल दिखा दीजिए ना, पराठे बहुत अच्छा है। तो मुझे देसी घी, प्योर देसी घी में बना हुआ पराठा है, प्योर देसी घी। एक देखो ये कच्चा पराठा है, वो भी ये तवे में जाएगा। आलू प्याज, देसी घी की बात ही अलग होती है। जमीन से जुड़े हुए हैं हम लोग, अभी छत पे हैं, पर जमीन से जुड़े हैं पर छत पे। ओके, सो आप ये पराठा मुझे खिला दीजिए। गरम गरम पराठा आ गया है और ये सीधा प्लेट में जाते हुए, तवे से प्लेट में देख सकते हो आप गाइस। अभी मामा उधर पराठे बना रहे हैं, हमारा बाबू खेल रहा है नीचे। सो देख सकते हैं मामू ने बनाया, हमने इनकी वीडियो देख के हम सब्सक्राइबर बन के आए इनके घर पे पराठा खाने के लिए। सो पराठे हो गए फिनिश। सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द, और फिर दिखाते हैं हम कल घर जा रहे हैं। सो दिखाएंगे आपको वहाँ पे भी एक जगह है अच्छी खासी घूमने लायक। सो आज का व्लॉग यहीं, हैप्पी मकर संक्रांति अगेन। सो बाय बाय।